पेंट लेने आया था, तो आधा घंटा हो गया पेंट बनवाना था क्योंकि मुझे कलर चाहिए था वो लाइट ब्राउन। भाई पेंट की दोनों बाल्टियां ले, लेकिन भाई साथ गए थे उस तरह हमने जूता भी नहीं पहना था। बस सर वो ना जूता ऊपर पड़ा हुआ था और जल्दी में अचानक मैंने कहा चल ऐसे ही चलते। एक घंटे से हम बाहर निकले हैं, मैंने रास्ते में देख लिया था कि भाई ने जूता ही नहीं पहना। ओ भाई इंटरें पड़ी हुई हैं ना, ये कल भी मैंने बताया था कि ये इंटरें हमारी नहीं है, साथ वाले घर वाली हैं, तो सारा मैस हुआ होगा। अब जो ये वाली बाल्टियाँ ना, अब यार वो नंगे पाँव हैं तो एक बाल्टी मैं भी ऊपर ले जाऊँगा ताकि ना थोड़ा उसको भी थोड़ा सांस मिल जाए। जो पेंट लेके आए ना लाइट ग्रे वाला, उसको मिक्स कर दिए तो अब वो होगा इस पूरे कमरे में। टाइमलैप्स बना रहा था, मेरे पास ना स्टैंड नहीं था इधर रखने के लिए, तो मैंने उधर ही टाइमलैप्स ख़त्म कर दिया। अब जब वो पायर बनाऊंगा ना गैराज में तो वो इंशाल्लाह टाइमलैप्स लगा दूंगा। अभी भैया ऐसे लगे हुए हैं, उसी भी तो पागल हो तो आप भी ऐसा ऐसे करें। इधर से ये पूरा का पूरा ये वाला हाल हो गया, और जो वो वाला अंदर वाला कमरा वो भी पेंट हो गया। इसको भाई कह रहे कल करूँगा, अभी वो देखे सारा गीला गीला, इसको दोबारा भी कोड लगेगा, ऊपर से सारा अगेन ब्रश लगेगा, और इधर मैं दो लाइट लगाऊंगा दूसरी बड़ी वाली, क्योंकि ना इधर रोशनी अच्छी है, रोशनी अच्छी आएगी ना तो ये ज़्यादा खिला खिला अच्छा लगेगा। और अब भाई इधर करेंगे पेंट। दीवार सारी लगा दी, अब इस दीवार के बारे के अब इस दीवार को पेंट होना, और जो ये वाली दीवार है ना ये सारी की सारी ब्लू या कोई दूसरी कलर हो जाएगा, और जो नीचे वाली जितनी भी बैक साइड जितनी भी दीवार है ना वो सारी ब्लू होगी, और इसको इसके साथ टच दी है, और वो जो अंदर वाला रूम है वो उसको थोड़ा डिफरेंट करवाएंगे क्योंकि अब सारा खाली ब्राउन थोड़ी कराना। ऊपर वाले कट हैं अभी भाई वो लगा रहे हैं, अब जितने भी इधर सारा पेंट हो गया ना ऊपर जितने भी हैं ना साइड्स इसके सब के कट रहते हैं, अब भाई इसके कट लगा रहे हैं, तो कट लगाने के बाद आई थिंक सो इनकी छुट्टी का टाइम हो गया, फिर लीव कर जाएंगे, फिर ये इंशाल्लाह इसका भी सारा कट लगाना, फिर देन फर्दर ये सारा का सारा वेल लगेगा। और इसमें मैंने सोचा हुआ चेंजिंग लाने का, अब मेरा दिल कर रहा है कि किचन को ना एक रेनोवेट कराया जाए, इसके नीचे ना ये एकदम इतना ऐसे शीशा जैसे होता है ना कि लाइट ब्राउन शीट होती है शीशा टाइप होती शीट, वो वाली जिसे हाई ग्लो शीट कहते हैं, वो इधर टोटल नीचे लगाऊं, और बोतल पड़ी हुई है जो पहले मैं बनाता था, इधर सारी की सारी नीचे लगाऊं, और ये किचन भी ज़रा प्यारा सा लगे, और ये भी अच्छे सा डिकोर लगे, इसको भी चेंज करवाना। इसका मैं बताता हूँ, इसकी एक वॉल पेंट होगी बाकी सारी इधर से वाइट होगी, और ये पंखा भी इसको ज़रा सेट करवाते हैं, चलते तो हैं लेकिन इसको ज़रा पेंट शेंट करवाना है, इधर भी फैन लगाना है, इधर भी फैन लगाना, उधर भी फैन लगाना है।
फैन फैन लगा जबरदस्त। मेरे भाई ये चार लाइट्स ले ली हैं और एक ये बड़ी लाइट है ये ले ली, क्योंकि जो तीसरे पोर्ट से मैं पेंट करवा रहे हैं लेकिन लाइट्स उसकी है तो भाई से जितनी भी लाइट्स हैं ना सारी चेक करवाते हैं और इंशाल्लाह इसको खुद लगाते हैं। इस पोर्ट से मैं ना फ़ैन वगैरह नहीं लगे थे, हाथ फुल मैस है तो मैं इधर लगाने के लिए ना फ़ैन ले आया हूँ। लाइट्स वगैरह ना मैंने ऐसे सारी लगा ली थी लेकिन मेरे पास ड्रिल मशीन नहीं थी, तो ड्रिल मशीन जैसे ही आते ना तो इसको लाइट लगाता हूँ। और ये दीवार भी हो गई है, ये लाइट चलाते हैं, ये देखिए पूरा इधर और उधर। अब फैन लगाते हैं, एक पंखा मैंने ये लगा लिया, ये देखो लुक दैट, ये वाला पंखा मैंने खुद लगाया। और जो लाइट्स है ना लाइट्स मैंने लगा दी लेकिन ऊपर जो ड्रिल मशीन है नहीं वो नहीं है, जिसकी वजह से ड्रिल करनी है ना ताकि ये लाइट ऐसे हो और रोशनी पूरे कमरे में हो, तो उसके लिए ना ड्रिल लेके आनी पड़नी। ड्रिल अब और जो ड्रिल है वो मेरे पास है नहीं, तो जब होगी तो इंशाल्लाह ऐसी तो इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। सेम इधर ऐसे पंखा मैंने भी लगाया। भाई दुकानदार वाले भाई कह रहे थे कि एक पंखे का 500 रुपया लगना, मैंने कहा यार कि मैं कर सकता हूँ, कहता आप कर सकते हो, तो मैंने क्या किया मैं अपने हाथ ना नेट पे देखा, गूगल पे देखा, यूट्यूब पे देखा, तो यूट्यूब पे देख के ना मैंने ये पंखे मैंने खुद लगा लिए। तीन पंखे और 500 की बजट, 1500 की बजट, लाइक फैंटास्टिक, यानी अगर कुछ करना चाहे तो बंदा कुछ कर सकता है, पता की बात है। 1500 की बचत की है मैंने, बचत पैड ऊपर काइट उड़ा रहा है। तो व्लॉग फिर हम यही एंड करते हैं, अगर आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर करें, लेकिन आज 1500 की बचत हुई है, वाह, लेकिन लगे बहुत ज़्यादा है लेकिन बचत सिर्फ 1500 की हुई है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।